और लव जिहाद से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है मुंबई से, जहां एक महिला मॉडल ने पुलिस में लव जिहाद की शिकायत की है। मॉडल का आरोप है कि रांची में एक मॉडलिंग इंस्टीट्यूट के मालिक तनवीर ने उसके साथ धर्म छिपाकर धोखा किया। ये मॉडल बिहार के भागलपुर की बताई जा रही है और इसने बड़ा आरोप लगाया। उसने रांची के मॉडलिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ली थी, इसके बाद वो मुंबई में मॉडलिंग के लिए पहुंची थी। आरोप ये भी है कि मुंबई जाने के बाद मॉडलिंग इंस्टीट्यूट के मालिक ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने मॉडल की निजी तस्वीरों के जरिए उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आरोप है कि मॉडलिंग इंस्टीट्यूट के मालिक तनवीर ने अपना नाम यश बताया था और अपनी असली पहचान को भी छुपा कर रखा था। और इस मामले में पीड़ित मॉडल ने मुंबई में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन मामला रांची से जुड़ा था, इसीलिए पुलिस ने ये केस रांची पुलिस को ट्रांसफर कर दिया। मॉडल का आरोप ये भी है कि जब वो रांची से मुंबई आ गई, तब भी आरोपी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, बल्कि मुंबई पहुंचकर उसने पीड़ित को ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया। और पीड़ित मॉडल ने आरोप लगाया कि आरोपी तनवर ने उससे दोस्ती करने के लिए अपना झूठा नाम, झूठी पहचान उसको बताई। और आरोप ये भी है कि आरोपी ने अपना नाम यश बताया था। क्या कहा इस मॉडल ने, आइए आपको दिखाते हैं। मैं एक्टिंग और मॉडलिंग के लिए यश मॉडल्स गई जो रांची में है, वहाँ मेरी मुलाकात यश से हुई। 4 महीने बाद मुझे पता चला कि उसका नाम तनवीर अख्तर खान है। होली के टाइम पे उसने मेरे खाने में, ड्रिंक में कुछ नशीली चीज़ें मिलाकर पता नहीं क्या पिलाया, लेकिन उसने मेरी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें निकाल ली, जिसको दिखाकर वो मुझे पिछले 2 साल से ब्लैकमेल करता आ रहा है। अब उसकी बात ना मानने पे वो मुझे धमकी दे रहा है, वो मुझे मारने तक पे उतर आया है कि मैं, वो मुझे अब तक धर्म परिवर्तन के लिए, शादी करने के लिए बार बार फोर्स कर रहा है। हर मुमकिन कोशिश की उसने, उसने मुझे लालच भी दिया, उसने मुझे अपनी कंपनी का 50% प्रॉफिट रखने के लिए बोला, मेरे पास पेपर्स हैं, तो मैं फिर भी नहीं मानी। और अब वो मुंबई आके मुझे मारने की कोशिश भी कर रहा है और मुझे धमकी पे धमकी दे रहा है, मेरे घर वालों को परेशान कर रहा है, उनको धमकी दे रहा है। मेरी पुलिस प्रशासन से यही विनती है कि प्लीज़ इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, क्योंकि वो कब क्या कर देगा इसका कुछ पता नहीं है। वो मुंबई आके मुझे मारने की कोशिश कर चुका है और खुलेआम कर चुका है। मैं किसी भी हालत में अपना धर्म परिवर्तन नहीं करूंगी, ना ही उससे शादी करूंगी। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर वन भरोसा बनता है, वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर वन पसंद बनता है, वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है, देश का नंबर वन न्यूज चैनल बनता है, वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया।